हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड गुरुजी। यार सबसे पहले तो आप लोग से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि वीडियोस आप लोग के लिए बिल्कुल अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। गले में इन्फेक्शन हो गया है, टोटली आवाज़ एकदम चेंज हो चुकी है और काफ़ी पेन भी है। बट क्योंकि आज मैंने कहा था कि विनर अनाउंस करना है, आज 19 तारीख है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आप लोग के लिए। क्योंकि अगर इस विनर वाले वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ मतलब बेकार भी रहेगी या क्लियर नहीं भी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर डिक्टेशन में आप लोगों की अगर आवाज़ बेकार होती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। डिक्टेशन अगर आप सुन नहीं पाएंगे तो फिर मेरे बोलने का क्या फ़ायदा। तो प्लीज़ फ्रेंड सॉरी, वेट करिए आप लोग, जैसे ही मेरा गला ठीक होता है थोड़ा सा भी, मैं तुरंत आप लोग के डिक्टेशन की वीडियोस ले आऊँगा। और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एडमिट कार्ड आ चुका है, आप सभी लोग जान ही चुके होंगे, तो उसके लिए भी आप लोग प्रैक्टिस अपनी अच्छे से कर लीजिए, मतलब जान लगा दीजिए। जिसका जिसका निकल चुका है, जिसका स्किल टेस्ट है, वो पूरी ताकत लगा दीजिए। कहीं से भी आए वर्ड्स छूटना नहीं चाहिए, बस इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। तो इलाहाबाद वालों के लिए भी मेरे लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा गिव अवे था उसका प्राइस कौन जीता। फ्रेंड्स सच कहूँ तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे कि मेरा तो मन कर रहा था कि सभी सब्सक्राइबर्स को गिफ्ट दे दो, बट मजबूर हूँ, इतना बजट ही नहीं था अपना कि मैं सबको दे सकता। मतलब कि इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े थे, मुझे पता चला था जब मैंने गिव अवे रखा था, इतने सारे लोगों के कमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं फिर से थैंक यू करना चाहता हूँ सभी लोगों ने जो ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे साथ बने रहे। आपको विनर का नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स। तो चलिए देखते हैं कौन से कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे। तो इसमें जो पहला कमेंट है वो है मुकेश कुमार प्रजापति का। ये कह रहे हैं 4 मंथ से मैं 80 से 100 स्पीड शॉर्ट हैंड चैनल ऑफ योर टिप्स ट्रिक्स, बट थोड़ा एक्यूरेसी कम है। मुकेश जी डोंट वरी, एक्यूरेसी आप इंक्रीज कर सकते हैं। पहले आपने स्पीड थोड़ी सी मेंटेन कर ली है जब 80 to 100, तो अब इससे आगे जाने की कोशिश ना करिए, बल्कि इसी स्पीड पे अपनी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश करिए, 5% के आसपास। उससे अगर ज़्यादा है तो फिर आप स्पीड बढ़ाने के लिए ट्राई मत करिएगा। अगर आप 100 लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, काफ़ी अच्छी स्पीड है, कम नहीं है। अंकित शर्मा कहते हैं सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस एक वर्ष के दौरान आपने हमारे लिए बहुत मेहनत की, उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकित जी। इसके बाद है हसीबुल अंसारी जी, ये कहते हैं गुरु जी जब भी हमको बेरोजगारी का याद सताता है फटाक से आपका अपलोड किया हुआ वीडियो डिक्टेशन लिख लेता हूँ, कंप्यूटर में टाइप करता हूँ तो बहुत संतुष्टि मिलती है दिल को। अब्दुल अंसारी जी, आप लोगों के लिए ही हमारा चैनल पूरा डिपेंड करता है, आप लोगों पर ही। इसके बाद है दीक्षा मनवी जी का, ये कहती हैं थैंक यू सर फॉर योर गिव अवे, आपके चैनल ने मेरी बहुत हेल्प करी है एंड हैप्पी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी टू यू एंड अस टू, मे द ग्रोथ ऑफ योर चैनल इंक्रीज डे बाई डे, बाय द वे आई वांट दिस। थैंक यू सो मच दीक्षा मनवी जी। इसके बाद सौरभ यादव जी कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी एनिवर्सरी टू दैट चैनल विच इनकरेज एंड हेल्प्स मी टू क्वालिफाई शॉर्ट हैंड ऑफ ग्रेट सी, बधाई हो आपको सौरभ यादव जी। इसके बाद एक कमेंट्स है, ये किए हैं क्रिस्पी नेहा शर्मा जी, ये कहती हैं शॉर्ट हैंड गुरु जी सर आप अच्छा कर रहे हो एंड आई लाइक योर ऑल वीडियोस एंड उनमें कुछ अलग होता है, आप अपने लिए ही नहीं बल्कि और चैनल के लिए भी सोचते हो, यही यूनिक है आप में। थैंक यू क्रिस्पी नेहा जी। इसके बाद आरोही जी का कमेंट है सर विश यू अ वेरी हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ योर यूट्यूब चैनल, दिस इज़ द बेस्ट शॉर्ट हैंड चैनल, थैंक यू सर एंड थैंक यू यूट्यूब। थैंक यू सो मच आरोही जी, बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद है विपिन पाठक जी, इन्होंने भी फनी सा कमेंट किया हुआ है गुरुजी के गुरुजी, हमारे शॉर्ट हैंड गुरुजी। इसके बाद तरुण कुमार बत्रा जी लिखते हैं बेस्ट प्रैक्टिस चैनल फॉर शॉर्ट हैंड। इसके बाद पूजा शर्मा जी लिखती हैं कि इनका भी कमेंट फनी लगा मुझे, क्या फनी लिखें सर जी, स्टेनो सीखते सीखते ये आलम है कि फर्श पर पड़ा हुआ धागा भी कोई शब्द चिन्ह लगता है। तो ये बहुत ही बढ़िया कमेंट लगा था मुझे फनी का। इसके बाद विनय कायात जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि ये जो संजू मूवी आई सर इस पर इन्होंने बनाया होगा, मैं लिखे रहते हैं संजू बोले तो मामू, कोई अगर शॉर्ट हैंड गुरु जी चैनल से डिक्टेशन लेता है तो उसे किसी दूसरे चैनल से डिक्टेशन लेने की ज़रूरत है क्या, ये इनका इनका फनी कमेंट था। और इसके बाद द्वारिका प्रसाद जी लिखते हैं
जब से शॉर्ट हैंड गुरुजी सब्सक्राइब किया है, स्टेनो से कोई डर नहीं लगता है। आई रियली लाइक यू सर, आई वॉन्ट इट। तो थैंक यू सो मच द्वारिका प्रसाद जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके साथ हमेशा बने हैं। इसके बाद शुभम शर्मा जी लिखते हैं, सर स्पीड नहीं बन रही थी, पर जब यूट्यूब पे सर्च करा तो मैंने आपका चैनल देखा, मुझे बहुत नॉलेज मिला। अब मैं आराम से 80 प्लस की स्पीड लिख लेता हूँ और अनुवाद भी कर लेता हूँ। थैंक यू सर जी एंड थैंक यू शॉर्ट हैंड गुरु जी, आपकी अपडेट में डेली देखता रहता हूँ। थैंक यू सो मच शुभम शर्मा जी, आपको लगातार ट्रिक्स और टिप्स हमारे चैनल की तरफ से मिलती रहेंगी, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा प्राइज विनर कौन है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने 3 प्राइज़ रखा था। सबसे पहला प्राइज़ टी शर्ट था जो कि ओनली फॉर गर्ल्स था, और दूसरा प्राइज़ भी टी शर्ट था जो कि ओनली फॉर बॉयज़ था, एंड थर्ड प्राइज़ था वो दोनों में से कोई भी जीत सकता था। और थर्ड प्राइज़ मेरा था वो जो था 10 सेट था एक कॉपी का, जिसमें शॉर्ट हैंड की जो नोट पैड होती है उसमें 10 नोट पैड प्लस एक पेंसिल बॉक्स, एक शार्पनर एंड एक इरेजर होगी। तो जो हमारा थर्ड विनर है वो तो मैंने कल अपने कम्युनिटी टैब पे और अपने फेसबुक के ग्रुप पे भी अनाउंस कर दिया था। तो थर्ड जो विनर है उनका नाम है चेत राम मीना जी। तो इनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे जीमेल शॉर्ट हैंड गुरु जी 023@gmail.com पे अपने इसी आईडी से कॉन्टैक्ट करें जिससे आपने कमेंट किया हुआ था। आपका कमेंट दिख रहा है, अगर आप किसी दूसरी आईडी से कमेंट करते हैं फिर वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। आप मेरे पे मेल करिए, इसी आईडी से करिएगा जिससे आपने कमेंट किया था, किसी दूसरी आईडी से प्लीज़ मत करिएगा। और सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, तो सेकंड नंबर पे जो हमारे विनर हैं टी शर्ट के लिए, वो आप लोग जानते हैं कोई बॉय ही होगा, और उस बॉय का नाम है विनय कयात। विनय कयात जी सेकंड नंबर के प्राइज़ जीते हुए हैं। विनय कयात जी आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इसी आईडी से हमारे ईमेल आईडी पर मैसेज करिए, मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट करूँगा। ईमेल आईडी का नाम है shorthandguruji023@gmail.com। और हमारे गर्ल्स में नंबर 1 जो जीती हैं उनका नाम है पूजा शर्मा। तो पूजा शर्मा जी आपको बहुत बहुत बधाई, आप नंबर 1 का प्राइज़ जीत चुकी हैं। और पूजा शर्मा जी से भी मैं कहना चाहूँगा, आप अपनी इसी आईडी से जिससे आपने कमेंट किया था उससे हमारे जीमेल पर आप मैसेज कर सकती हैं, मेल कर सकती हैं, और फिर मैं आपसे कॉन्टैक्ट करके डिटेल आपकी ले लूँगा। और मेरा शॉर्ट हैंड ईमेल एड्रेस है shorthandguruji023@gmail.com। तो ये 3 विनर थे, इन तीनों विनर से मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो मैंने सैंपल मंगवाया हुआ था टी शर्ट का, वो तो एक मैंने मिनी साइज का वैसे सैंपल मंगवा लिया था जो मैंने फेसबुक पे और अपने ग्रुप पे अपलोड किया था। लेकिन आप किस साइज़ में टी शर्ट पहनते हैं, आपकी क्या साइज है, स्मॉल है, लार्ज है, एक्सेल है, वो सब मुझे आपसे लेना पड़ेगा। आपका एड्रेस जानना पड़ेगा, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस कौन सा आप देना चाहते हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मुझे चाहिए होंगे जिससे अगर कुरियर वाले को आपका घर ना मिल पाए तो आपके कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट कर सकता है। और साथ ही आपकी आईडी भी वेरीफाई करनी होगी, यानी कि जिससे आपने कमेंट किया था आप वही इंसान हैं यार, कोई दूसरा इंसान है, वो हमारे एप्लीकेशन कर लेगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। बट प्लीज़ आप लोग 24 घंटे के अंदर कोशिश करिए कि कॉन्टैक्ट कर लीजिए। क्या होगा ना कि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी किसी प्राइज़ को जीता है और अगर वो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है तो वो प्राइज़ मैं अपने पास तो रख नहीं सकता, मुझे तो देना ही है। तो जैसे कोई फर्स्ट जीता है, जैसे पूजा शर्मा फर्स्ट जीती हैं और सेकंड नंबर पे विनय कयात जी जीते हुए हैं, तो अगर ये हमसे आप कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे तो अपने आप मुझे 24 घंटे के बाद वो प्राइज़ जो सेकंड नंबर पे था उसको देना पड़ेगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये एप्लीकेशन की तरफ से कहा जा रहा है, तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जैसे ही मेरे 50 के सब्सक्राइबर होते हैं, एक और बेहतरीन, इससे भी बहुत ही बढ़िया बजट और एक बहुत अच्छा सा गिव अवे आप सभी लोगों के लिए फिर से होगा, और उस पर जो हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा उसके चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे एक दो प्राइज़ के लिए। मैं ट्राई करूँगा कि उसमें इससे ज़्यादा और इससे महंगे प्राइजेस को रखूँ, क्योंकि ये तो मेरे पास अभी छोटा सा बजट था, फर्स्ट एनिवर्सरी थी, अभी इतनी ज़्यादा इनकम यूट्यूब से नहीं होती है, तो फर्स्ट एनिवर्सरी थी तो मैंने सोचा कि गिव अवे रखते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमें कि हम लोग 20,000 सब्सक्राइबर भी पार करके हैं। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, जैसे ही मैं ठीक होता हूँ लगातार आप लोग के लिए वीडियोज़ आती रहेंगी, चाहे वो आउटलाइन की वीडियो हो, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन की वीडियो हो, या स्पीड बढ़ाने की टिप्स हो, गलतियाँ कम करने की टिप्स हो, कुछ मोटिवेशन वीडियोस हो, या फिर किसी नए सीनोग्राफर या कुछ अदर जॉब्स के नोटिफिकेशन के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में लगातार वीडियोस अब तक पहुँचाता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।